हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। जैसे कि फेब्रुअरी मंथ चल रहा है एंड लव इज़ इन दी एयर, सो आई नो कि आप सभी लोग वैलेंटाइंस डे के लिए अपने लव्ड वन के साथ कहीं ना कहीं जाना चाहोगे। सो यहाँ पे मैं कुछ कैफेज़ एंड रेस्टोरेंट शेयर करने वाली हूँ विद यू ऑल, सो दैट यू कैन एन्जॉय योर वैलेंटाइंस डे विद योर लव्ड वंस। सो द फर्स्ट प्लेस इन आवर लिस्ट हैज़ टू बी डिगिन। इसका जो ओवरऑल एम्बियंस है बिकॉज ऑफ इट्स लाइटिंग एंड जो इन्होंने इतने ज़्यादा ट्रीज एंड फ्लावर्स का यूज़ करा है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये एक रोमांटिक वाइब देता है। इन द इवनिंग जब यहाँ पे लाइट्स लिट होती है तो वो और भी ज्यादा प्रिटी लगता है। कॉस्ट फॉर टू इज अप्रॉक्सीमेटली 1700 INR। तो द कुजीन दे सर्व इज इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल, एंड द थिंग्स दैट आई ऑर्डर्ड आर ऑरेंज पीच ब्लॉसम, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा। उसके बाद आई ऑर्डर्ड रावियोली विद चिकन बर्लिनीस। अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉसी लगा, एंड इसमें जो मिन्स चिकन है वो भी काफ़ी अच्छे से कुक्ड है। सो ओवरऑल मुझे तो ये डिश काफ़ी मज़ा आया, एंड ऑल्सो जब मैं खा रही थी तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्यूट लिटिल पपीज थे, उनको भी देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैंने अपना मील एंड करा विद चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी। एट फर्स्ट मुझे लगा कि क्वांटिटी काफ़ी कम है, पर जो ब्राउनी थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, सो आई फील कि जो इन्होंने क्वांटिटी दी है वो बिल्कुल सही है। सो द नेक्स्ट प्लेस इन आवर लिस्ट इज़ दीताज। कुतुब मीनार के आसपास मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखे थे जो वैलेंटाइंस डे के लिए परफेक्ट है, बट जो बेस्ट मुझे लगा एंड आई फील यू शुड विजिट विद योर लव्ड वंस इज़ दीताज। The cuisine they serve is European, continental and Asian, and this is located in Ambavat 1 complex Mehroli. Cost for two is approximately 2000 INR. I know ये डिगिन वाले से थोड़ा expensive है, but यहाँ से जो कुतुब मीनार का view है वो बहुत ही ज़्यादा pretty लगेगा, and also यहाँ पर आप indoor outdoor seating दोनों opt कर सकते हो, but I feel कि आपको outdoors बैठना चाहिए because वहाँ पर इवनिंग में अगेन लाइटिंग के साथ बहुत ही प्रिटी हो जाता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड हेयर इज़ अ कप ऑफ कैपेचिनो, एंड मुझे इनकी क्वांटिटी काफ़ी सही लगी, एंड जो कॉफ़ी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, सो मुझे तो काफ़ी पसंद आई पर्सनली यहाँ की कॉफ़ी। एंड उसके बाद द नेक्स्ट डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज़ हैरिसा चिकन। इसकी अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बट काफ़ी प्रिटी भी है, सो आपको ये काफ़ी ज़्यादा गॉर्मे एक्सपीरियंस वाला पूरा एक वाइब देगा। सो अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो ये हल्का सा स्वीट, टैंगी एंड हल्का स्पाइसी भी था, सो ओवरऑल इसमें काफ़ी सारे मिक्स ऑफ फ्लेवर्स थे बट काफ़ी मज़ा आया खा के, एंड जो चिकन था वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंडर था। सो ओवरऑल मुझे तो ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा सही लगी फॉर इट्स फूड एंड एम्बियंस। एंड द नेक्स्ट प्लेस दैट आई एम गोइंग टू कवर इज कैफे टोनिनो इन सीपी। इसके आपको आउटलेट मिल जाएंगे MG रोड न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस एंड DLF होराइजन सेंटर गुड़गांव। सो द कुजीन दिस सर्व इज इटालियन पिज्जा एंड पास्ता। कॉस्ट फॉर टू इज अप्रॉक्सीमेटली 1800 INR, एंड यहाँ का जो ओवरऑल वाइब है उससे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इटली के एक छोटे से विलेज में आए हो। इटालियन प्लेस पे आके यू कैन ऑलवेज एंजॉय अ ग्लास ऑफ वाइन, नहीं तो इफ़ यू डोंट ड्रिंक तो आप कैपेचिनो भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा मैंने इनका ऑर्डर करा था पेने आला वोडका। ये जो पास्ता है ये मुझे ओकेश लगा, हल्का सा ड्राई लगा मुझे, अगर थोड़ी और सॉस होती तो मज़ा आ जाता। एंड जो इनकी चिली फ्लेक्स हैं, मेक श्योर कि आप थोड़ा कम यूज़ करो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। सो ओवरऑल इस प्लेस का जो वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा कोजी है, एंड यू विल डेफिनेटली लव योर टाइम हियर। सो द नेक्स्ट प्लेस इन माई लिस्ट इज 7 Old Town, विच सर्व्स नॉर्थ इंडियन, एशियन एंड कॉन्टिनेंटल कुजीन, एंड दिस इज लोकेटेड इन हॉस्खास न्यू दिल्ली। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट ये इवनिंग में, डे टाइम एंड नाइट टाइम दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, एंड ऑल्सो जो यहाँ पे म्यूजिक है वो भी काफ़ी लाइट है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, सो यू कैन ईजिली डू योर कम्युनिकेशन। आई एम श्योर कि आप सभी लोग शाउट आउट का वेट कर रहे होंगे, एंड इस बाई शाउट आउट जाता है सौम्या को। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट। इफ़ यू वॉन्ट शाउट आउट्स लाइक दीज ऑन माई वीडियो, देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो विच इज़ योर फेवरेट प्लेस फॉर हैविंग डिनर विद योर लव्ड वन। सो यहाँ पर मैंने इनका मंगवाया था 7 Old Town ड्रिंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है एंड टैंगी है। सो द डिश दैट आई ऑर्डर्ड हेयर इज पिरी पिरी चिकन। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, काफ़ी सारे पीसेज मिले हैं मुझे यहाँ पे चिकन के। जो पिरी पिरी चिकन का मसाला है वो चिकन में काफ़ी अच्छे से कोटेड है। इट्स जस्ट दैट अगर आप चिकन को इंडिविजुअली खाओगे तो आपको नमक थोड़ा हाई लग सकता है, एटलीस्ट मुझे तो लगा, बट अगर आप इसी चीज़ को मेयोनीज के साथ खाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मुझे तो खाने में। इन दी एंड आई ऑर्डर्ड ब्राउनी विद आइसक्रीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे टेम्पटिंग लग रही है। जो ब्राउनी है वो थोड़ी सी वॉर्म है एंड जो आइसक्रीम है वो ठंडी है। मुझे तो पर्सनली विंटर में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप बताना अगर आपको विंटर्स में ऐसा कॉम्बिनेशन पसंद है या नहीं पसंद है। पर्सनली आई रियली एन्जॉयड माई टाइम एट 7 Old Town।
So the next place that is on our list is Nukkar Cafe and Bar in SDM Market, Hoskas. So the cuisine they serve is bar food, Chinese, North Indian, and cost for two is approximately 1400 rupees. Honestly, इस place का food मुझे थोड़ा average लगता है, but यहाँ का जो outdoor seating है, because of lighting in the evening, वो बहुत ही ज़्यादा pretty लगता है और काफ़ी romantic हो जाता है. Also यहाँ पे live Sufi music भी होता है, जिसकी वजह से again और ज़्यादा romantic vibe create हो जाती है. एक और चीज़ जो इस place में बहुत सही है, and that is कि जो इनके menu में names हैं, वो काफ़ी ज़्यादा interesting है. एंड यहाँ पे मैंने इनके काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ट्राई करी थी, जैसे कि नुक्कड़ शिकंजवी, कुरकुरी इडली चाट एंड भुना चिकन मोमोज. एज आई मेंशन बिफोर कि यहाँ का फूड मुझे थोड़ा एवरेज लगता है, यहाँ पे मुझे इनकी जो कुरकुरी इडली चाट है वो कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा सही लगा. इट्स जस्ट दैट इडली इसमें बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं थी. सो द नेक्स्ट प्लेस इन माई लिस्ट इज कलोकल इंडियन ओरिजिन चॉकलेट्स. इसके आपको काफ़ी सारे आउटलेट्स ऑल ओवर दिल्ली मिल जाएंगे, एंड जिस स्पेसिफिक आउटलेट में मैं गई थी दैट वॉज Khan Market. The cuisine they serve is continental and you get amazing desserts as well. And cost for it is approximately 1200 INR. So the first thing that I ordered here is a fruit fondue, जिसको खाने में मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था. इसके अंदर काफ़ी टाइप के फ्रूट्स मिले थे एंड मार्शमेलो, एंड इसको डिप करके ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मिल रहा था उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे तो. इवन दो मुझे हल्का सा प्राइसी लगा, बट आई गेस एक्सपीरियंस मैटर करता है. And the next thing that I ordered is a campfire hot chocolate. And winters में तो वैसे ही hot chocolate का काफ़ी मज़ा आता है, and जिस तरीके से ये hot chocolate आपके सामने डाल रहे हैं वो भी एक काफ़ी सही एक्सपीरियंस लगेगा. सो ओवरऑल मुझे तो ये कोलोकल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस इफ़ यू हैवेंट. आई होप अभी तक आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है. जो लास्ट प्लेस जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो एग्जैक्टली एक कैफ़े तो नहीं बोल सकते, बट एक प्लेस है जहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज बनने वाली हैं. आप चाहे फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिलीज के साथ जाओ, या फिर लव्ड वंस के साथ जाओ, एंड दैट प्लेस इज सुंदर नर्सरी. आई फील कि यहाँ पे अगर आपको अपना फूड घर से लेके आना है, एक पिकनिक स्पॉट बनाना है, वो भी आप कर सकते हो. एंड इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग दैट, तो यहाँ पे एक कैफ़े भी है, दैट इज़ फैब कैफ़े, जो कि काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे हेल्दी फूड मिलता है. मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी पर्सनली अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाना पसंद करते, बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू ट्राई देन आप यहाँ पे आके मोमोज या फिर चाट इन्जॉय कर सकते हो. इफ़ यू डोंट नो कि सुंदर नर्सरी एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज़ ऑपोजिट टू हुमायूं स्टोम पार्क. यहाँ पर मैं सुंदर नर्सरी का एक स्पेसिफिक एरिया ही कवर कर पाई थी, बट सुंदर नर्सरी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, फुल ऑफ लश ग्रीनरी. If you want to connect with nature and also enjoy the sun, जो स्पेशली विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. ऑल्सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पीकॉक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप सभी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाओगे. मुझे तो पर्सनली ये सारे कैफेज़ रेस्टोरेंट्स में जाके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. जो वाइब है वो सारा मैंने आप सभी के साथ शेयर करा, एंड आई फेल्ट कि ये वैलेंटाइंस डे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड द वीडियो. सो मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में. टिल देन बाई.